मेयर अजीत ढेबर के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महापौर से इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती, प्रत्याशी चुनाव छोड़कर भाग रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी अभी नेता प्रतिपक्ष चुनने की स्थिति में नहीं है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आज देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है, बाराती छोड़कर भाग गए सब। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। इससे और दुर्गति क्या होगी किसी राजनीतिक दल की? और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होगी, प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात।